हम लोग का 2017 में जब अधिग्रहण हुआ तो उस टाइम बोला था कि सबको जॉब मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा, यहाँ का जो इतना लोकल है सबको 75% मिलेगा नौकरी। उसके बाद नौकरी मिला नहीं, तब फिर बोला कि नहीं आप लोग को मैट्रिक इंटर जो भी है इसके अलावा आपको अप्रेंटिस जैसे स्किल इंडिया करना पड़ेगा। एक साल स्किल इंडिया किए, उसके बाद फिर बोला कि नहीं ITI करना पड़ेगा। फिर इलेक्ट्रिशियन फिटर जिसका जो जो ट्रेड था वो 2 साल फिर इलेक्ट्रिशियन किए, उसके बाद नहीं फिर बोला कि नहीं अप्रेंटिस करना पड़ेगा। फिर अडानी में अप्रेंटिस करवाया, उसके बाद जब अप्रेंटिस 1 साल पूरा गया तब बोलता है कि नहीं अब BTEC रहेगा तब करेंगे, तो तुम्हारा नौकरी अडानी में होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अडानी पर जमकर निशाना साधा, कहा बस अडानी के लिए न्याय और बाकी लोगों के साथ अन्याय। अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी ने PM नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बस अडानी के लिए न्याय होता है और अन्य लोगों के लिए अन्याय हो रहा है। मोदी सरकार सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को आस्ते 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 मार कर एक ही नेम प्लेट लगाना चाहती है भाइयों बहनों, अडानी। कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। BJP के लोगों से मैं कहता हूँ, कर लो जो करना है, अडानी का नाम नहीं लगेगा, हम नहीं लगने देंगे।